आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूती से गांव-गांव घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। हम लोग 4400 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का या सारी सीटों पर तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। पूर्णतः चुनाव को अब मद्देनजर रखते हुए और चुनाव में हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी किस गठबंधन के साथ, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लान पे काम हुआ है। अंतोगत्वा हम लोग 4400 सीटों पर अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर हम लोग अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का या सारी सीटों पर तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। ऐसा होता नहीं है जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता ये बोलता है कि हम सारी सीटों पर तैयारी कर, उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में यही सवाल आपकी तरफ से आएंगे, भी मैं पहले भी बोल दूँ, बाद में भी आप पूछेंगे तब भी मैं बोलूँगा, उनको करनी भी चाहिए तैयारी। हम लोग भी कर रहे हैं हर सीट पर तैयारी। उद्देश्य इसका ये होता है कि ना सिर्फ जिस सीट पर आप चुनाव लड़ें, ना सिर्फ उस सीट पर आपके संगठन का लाभ सिर्फ आपके प्रत्याशी को हो, बल्कि जिन सीटों पर आप चुनाव नहीं भी लड़ और आपके गठबंधन के साथ ही उस पर चुनाव लड़, ऐसे में भी आपके संगठन का लाभ उनको मिले। भाई कल को कोई मुझसे गठबंधन क्यों करेगा अगर अधिकांश सीटों पर मेरा संगठन ही नहीं होगा? क्या लाभ होगा किसी दल को मुझसे गठबंधन करके? हम तो भैया उनके संगठन का लाभ ले लेंगे, पर हम अपना लाभ उनको कैसे दे पाएंगे? इसके लिए हर राजनीतिक दल को हर सीट पर तैयारी करना जरूरी है। कितनी सीटों पर तालमेल होता है ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है, जब ये चर्चा होगी सार्वजनिक इसको किया जाएगा। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूती से गांव-गांव घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। कई हमारे प्रदेश के ऐसे सम्मानित नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, या विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे सम्मानित महानुभाव, उनसे भी आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मुलाकात करके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की प्रतिलिपि उनको सौंपने का काम करेंगे। भाई मेरा पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है, हाजीपुर का कार्यक्रम लगा हुआ है, मैं हाजीपुर निकलूँगा, पर हाँ उनकी तरफ से ज़रूर न्योता इफ्तार के लिए मिला है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी ज़रूर इसमें। ये तय है कि जहाँ नीतीश कुमार रहेंगे वहाँ आप नहीं रहेंगे? भाई नीतीश कुमार जी से समझौता करना होता तो प्रभु बहुत समय था मेरे पास। नीतीश जी जिनको मैं मानता हूँ कि जिनकी वजह से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ, जिनकी वजह से बिहार में से युवाओं का पलायन बढ़ा, जिनकी वजह से आज भी बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, जिनकी वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, तो ऐसे में उसके उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का समझौता संभव ही नहीं है। समझौता करना होता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या लाभ के लिए तो मैं 2020 में करता ना भाई, जब उस वक्त मैंने अपनी पूरी पार्टी के अस्तित्व को दांव पे लगाया अपने विचारों सिद्धांतों के लिए, तो आज मैं क्यों समझौता करूं जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत परिस्थिति है।